अगले हफ्ते तेरी सगाई हो जाएगी, तो 16 के बाद तू जब भी जगदीश से बातें करेगी तो हम सबके सामने करेगी। तो दद्दू आप नहीं चाहते कि मैं जगदीश के साथ थोड़ा भी टाइम अकेले स्पेंड करूं, फोन पर भी नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब तू हम सबके सामने जगदीश से बात नहीं करना चाहती ना? ठीक है, तू ना हमारे सामने आना ही मत, हम पीछे खड़े होके तेरी बातें सुन लेंगे। ओके फाइन। आज आने में बहुत देर हो गई, गुड नाइट। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती। एक मिनट आने दी। कैसी प्रॉब्लम शिव? हमें एंगेजमेंट को पोस्टपोन करना होगा। क्यों, बात क्या है? दत्तू, वो 16th को एक अमेरिकन डिप्लोमेट उदयपुर आ रहे हैं, एंड आई एम पर्सनली इन चार्ज ऑफ हिम। उन्हें उदयपुर दिखाने के साथ साथ एक एथनिक डिनर भी मुझे ऑर्गेनाइज करना है उनके और उनके फैमिली के लिए, जिसमें सीएम भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तू नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तेरी छोटी बहन की एंगेजमेंट है। कितनी मुश्किल से 16th को अपनी एंगेजमेंट की डेट निकलवाई है मैंने, जिससे जगदीश उस गंगा को छोड़ने मैंगलोर ना जा सके। अगर ये डेट पोस्टपोन हो गई तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी, जगदीश चले जाएंगे गंगा के साथ। शिव, एक बार तू बात करके देख तो। मां, मैंने कहा ना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से अब सगाई को पोस्टपोन करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ये एंगेजमेंट कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि कितनी मुश्किल से 16th का एक मुहूर्त निकला है, और उसके बाद अगले 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। हम लोगों ने तो सारी तैयारियां भी करनी शुरू कर दी हैं, और आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट पोस्टपोन कर दो। सच्ची शिव बेटा, देख मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। हमारी प्रॉब्लम भी कोई छोटी थोड़ी है। तू अगर कोई लोकल डेलीगेट्स होते तो फिर मैं कुछ कर सकता था, लेकिन ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है, साथ में सीएम के साथ मीटिंग, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। जरूरी होगा, वरना इतनी बड़ी बात तू यूं ही नहीं कहेगा। But I can't let this happen. मैं अपनी एंगेजमेंट पोस्टपोन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। ऐसा कोई तरीका सोचा क्या अगर ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ा रहा? क्या जवाब देंगे हम आनंदी के सासरे वालों को? कैसे नजरें मिलाएंगे उनसे? हमें तो ये भी सोचना होगा ना,
सगाई की तारीख अगर आगे बढ़ा दी तो उसका आनंदी पर क्या असर होगा? उसका सासरा है वो, हमें सब कुछ सोच समझ कर भूख कर करना होगा। बेटी के सासरे वालों के साथ तो वैसे ही बड़ा नाजुक रिश्ता होता है ना मासा, हम कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते जिससे आनंदी की खुशियों को नजर लग जाए। क्या को रोकना होगा मासा, उसकी मनमानी नहीं चलने दे सकते इस बार हम। सुमित्रा एक बात कहूं, चूक हो गई थारे से उस छोरी गंगा को पहचानने में, पर मैं खूब पहचानू उसे। निश्चिंत रह तू, 16 तारीख को जगदीश कहीं ना जावे, वो कहीं रह भगो। मैं जो कर रहा हूं गंगा के लिए, जो करना चाहता हूं, क्या वो गलत है? किसी की मदद करना कोई पाप तो नहीं? फिर सबको शिकायत क्यों है मुझसे? अगर मैंने गंगा के कारण अपनी सगाई की तारीख आगे बढ़ा दी तो सवाल क्यों करेगा कोई? गंगा की चिंता है मुझे, एक मोड़ तक साथ देने की इच्छा तो है, लेकिन बस इंसानियत के कारण। इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या गंगा से मेरे लगाव की कोई और भी वजह हो सकती है? सवाल सवाल और सवाल, कहीं से किसी एक का जवाब तो मिले। आप उन लोगों से कह दीजिए कि इस तारीख को सगाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे कैसे जग्या? मना करना इतना आसान है क्या? और तू भूल रहा है, वो सिर्फ लड़की वाले ना है, आनंदी के सासरे वाले थे। तो अब जो तारो मामलो है, अब तू फैसला ले। पर बहुत सोच कर, बहुतों की खुशियां टिकी हैं तारे फैसले में। लेकिन गंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। जो आप मेरी बात न मानेंगे तो मैं भी ना जाऊंगी मैंगलोर। आप एक बार ये सोच के देखो, लोग क्या सोचेंगे, आनंदी जी के सासरे वाले क्या सोचेंगे कि एक दूसरी लुगाई को दूसरे शहर में छोड़ने के लिए आप अपनी सगाई डाल रहे हैं। ये रिश्ता है हमारा डॉक्टर साहब? बैंगलोर नहीं जा रहा हूँ। कैसे बताऊं, थारे इस फैसले ने कितनी शांति दी है मेरे कर्जे को, और अपनी ना कहूं पूरे परिवार को क्षण भर में जिंदगी भर की खुशी दे दी थारी इस एक बात ने। जीता रहे देवी माँ की असीम कृपा, जो प्रार्थना सुन ली हम सबकी।
एक काम हो सकता है, हम जगदीश की फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 16th को नामकरण और पूजा के लिए अगर सुबह का मुहूर्त मिल जाए तो हम इंगेजमेंट शाम के बजाय दोपहर में कर लें। क्यों, फिर तो काम हो जाएगा ना तेरा? डाउटफुल लगता है। आई मीन पहले यहां से जैत सर जाना, फिर वापस आना। लेट्स सी। ठीक है भैया, आपको नहीं आना तो बताइए, अपने गेस्ट को ही अटेंड कीजिए। और आप लोग भी मत आइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी अपनी एंगेजमेंट पे। साची बेटा कम प्लीज, आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर 16th को मेरी एंगेजमेंट नहीं हो पाई तो फिर अगले 4 महीने में भी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई परवाह नहीं है, मत आइए आप लोग, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। साची ऐसी कोई बात नहीं, तू बेकार ही इतनी परेशान। सब समझती हूँ माँ, आप लोगों को मेरी परवाह ही नहीं है। रिलैक्स साची, हम सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं भैया, आप तो बार बार यही कह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, एंगेजमेंट पोस्टपोन करनी पड़ेगी। गिव मी अ मिनट। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ All right. Thank you so much. Yeah. क्या हुआ? Problem solved. Afternoon का program deputy collector संभाल लेंगे। तो सुबह guest को receive कर हम जज सर के लिए निकल सकते हैं। लेकिन रात होने के पहले मुझे उदयपुर वापस पहुंचना होगा। Diplomats और CM के dinner के लिए। अरे ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। क्यों साची, इसमें तो तुझे कोई शिकायत नहीं है ना? लेकिन हाँ भाई, जगदीश के यहाँ फोन करके बताना पड़ेगा कि शेव उस दिन कितना बिजी है। लेकिन पापा जी, उन लोगों ने फोन करके कंफर्म कहा किया है कि 16th को ही सगाई होगी। उनका फोन आता है तो मैं इनसे बात कर लूंगी। इस शाम को शिव बिजी है इसलिए दोपहर को ही हमें सगाई करनी होगी। उनको ये भी बता देना है कि हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचेंगे जज सर। शिव को जाना भी तो है गेस्ट को रिसीव करने के लिए। अगर मैं और साची 16 की सुबह को ही निकल जाए तो? माँ, नामकरण संस्कार और सूरज पूजन में कोई तो होना चाहिए ना हमारे परिवार से, और फंक्शन के बाद साची वही तैयार हो जाएगी सगाई के लिए, तब तक तो आप लोग भी आ जाएंगे। Fantastic suggestion. क्यों भाई साची, अब तो खुश है ना मेरी गुस्सेल पोती? Thank God, कोई तो रास्ता मिला उसी दिन एंगेजमेंट करने का, वरना पता नहीं क्या होता। नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाँ आते हैं बस। ये जगह पता नहीं अब तक। आप सबको एक बात बतानी थी, मैं गंगा को छोड़ने बेंगलोर नहीं जा रहा हूं। सच्चा क्या? बहुत सही कदम उठाया तूने।
से बहुत भारी बोझ उतर गया जग्या। अच्छा लगा ये जानकर कि तूने हमारी बात का मान रखा। अरे पर जग्या तू संत, आजा नाश्ता कर ले। हाँ मेरा मन नहीं है। मासा अब तो जग्या मैंगलोर ना जा रहा है, तो ईरा जी को फोन करके कहते कि 16 की सगाई पक्की, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कल से हमारे फोन का। हेलो समझन सा, मैं कल्याणी देवी। नमस्ते माँ जी। 16 तारीख ठीक है हम सबकी तरफ से। अच्छा तो 16 तारीख को सगाई तय हो गई। जी मैं घर में सबको बता देती हूँ, हम लोग तो आपके ही फोन का इंतजार कर रहे थे। अच्छा माँ जी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, क्या हम सगाई शाम की जगह दोपहर को कर सकते हैं? क्या है कि शिव के ऑफिस में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान आ रहे हैं विदेश से, तो सुबह नामकरण और पूजा कर लेते हैं और दोपहर को सगाई कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप शिव से कह दीजिए चिंता की कोई बात ना है, उसकी सुविधा के हिसाब से ही हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू माँ जी, तो चलिए 16 को मिलते हैं हम लोग सब। हाँ हाँ माँ जी, आनंदी के साथ सांची भी आ रही है जैतसर में। हाँ सुबह सुबह पहुँच जाएंगे दोनों पूजा और नामकरण के लिए, और शिव के फ्री होते ही हम सब आ जाएंगे वहाँ पर। ठीक अब खुश? यस, मेरी सारी मेहनत आखिर काम आ ही गई। जगदीश को मैंगलोर जाने से रोक ही लिया मैंने। आप सबको एक बात बतानी थी, मैं गंगा को छोड़ने मैंगलोर नहीं जा रहा। सुन ये कुछ लेकर आए हो तेरे लिए। मुझे लगा कि ये पहन के इसे संभालने में आसानी होगी तेरे लिए। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है, रंग कैसा है वो बोल। बहुत प्यारा है। हमारी बेटी कितनी खुशियां लेकर आई है हमारी जिंदगी में, है ना? स्वार्थ भाव से हित करने वाले इंसान में अपनत्व भरे अधिकार की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए विपरीत प्रतिक्रिया से शुभ हो उठता है।